ताजा मामला कोरमा पंचायत का है, जहां गरीबों को आवास बनाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। तो वहीं दूसरी ओर इंदिरा सहायक पर पंचायत के लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्हें योजना का लाभ दिलाने के लिए मोटी रकम नहीं देने पर लिस्ट से नाम हटाने की बात कहते हैं। जब मामला मुखिया अरविंद कुमार के पास पहुंचा तो लिखित सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया, लेकिन अधिकारियों के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। सभी स्थानीय निवासियों ने मीडिया को बताया, संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिले तो मीडिया को सलाह देने लगे कि अधिकारी हम ऑफलाइन बात करेंगे। अधिकारियों ने मीडिया को सलाह देते हुए कहा, इंदिरा सहायक को साइकिल से पंचायत में भ्रमण करना है, यह सरकार का आदेश है। जब पंचायत में लोग 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो आप बताइए कि कितना वक्त लगेगा और भ्रमण कैसे करेंगे, इसलिए उसे थोड़ा इधर उधर तो लोग करते ही हैं। आप लोग उसे नजरअंदाज कर दें। आप सवालों के घेरे में है कि प्रखंड विकास अधिकारी के द्वारा दिया गया सलाह बिहार सरकार में चल रही योजना में रिश्वतखोरी की बात को नजरअंदाज करने की बात सुशासन को झकझोर देने वाली बात सामने आई है। दोबारा के लिए जियो टेक करके गए, अब फोल्स किए क्या किए, फिर हम बोल रहे हैं, फोन करके बोलते हैं तो कहते हैं कि अभी कैसे बनेगा, भेजेंगे। अरे कब भेजोगा भाई, किसका किसका है, क्या क्या योजना था? इंदिरावास। अच्छा, इंदिरावास में हमारे घर में 2 कॉलोनी है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एगो का आ गया है। अच्छा, दोबारा मेरा नहीं आया दोबारा। अच्छा, एक किस्त से दूसरा नहीं आया, दूसरा किस्त नहीं आया। नहीं आया, उसी के लिए हम बोल रहे हैं कि सर भेज दीजिए। ठीक है, भेज देंगे, चढ़ा देंगे। अरे कब चढ़ाएगा, जियो टेक करके गए, फोन करके है। कौन बोलते हैं कि चढ़ा देंगे? जो सहायिका है, क्या नाम है उनका? शंकर कुमार है। शंकर कुमार, वही नाम है जी। नहीं, हाँ 12,000 दिए थे पहला किस्त में, 12,000 दिए थे। किनको पैसा दिए हैं? पैसा सहायक के थ्रू दिया, किसको दिया? 12,000 रुपया दिए हैं। अब दूसरा किस्त मिला कि नहीं आपको? कॉलोनी पर मतलब 12,24,000। अच्छा, दूसरा किस्त आपको मिला कि नहीं? नहीं मिला, नहीं मिला। घर में काम बना रहे हैं, घर बना रहे हैं आप? घर बना रहे हैं। अच्छा, घर बना रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि भेजिए भेजिए, जो जमीन रहेगा उसी में ना बनाएगा मकान। अच्छा, तो बोलते हैं कि अलग दिखाइए, अलग हम किसको जमीन हम दिखा देंगे। अच्छा, इस तरह की बात क्यों बोलते हैं कि अलग दिखाई हमको? हाँ, कि अलग जमीन है तो उसमें बनाए थे, हम किसको जमीन बना लेंगे अलग। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नरेश चौधरी नाम। कहाँ रहते हैं? कोरमा पंचायत, कोरमा। हम लोग से 1,000 रुपया और 5,500 रुपया कर हम लोग से ले लिया। अभी तक कितना लिया गया है? हम लोग से अभी तक ले लिया है 13,500 रुपया। कितना घर से लिया गया है? ये तो ना हम अपना जो दिया है, जो हम और बाकी के तो हम मालिक नहीं है। आप 13,500 दे दिए हैं? 13,500 रुपया हम दे चुके। कैसे दिए? कैश दिए हैं कि गूगल पे दिए हैं? कैश दिए हैं। नहीं बोलते गूगल पे ले लीजिए, आप नहीं बोलते हैं उनको? उनको तो चलान ही नहीं आता है। अच्छा, सबसे कैश ले लिए हैं 1,000। 1,000 और पहले 6,000 एक बार लिया, 5,000 एक बार लिया, 5,500 दो बार करके लिया, आपको 1,000 फिर लिया। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? हाँ मिला है। कितना किस्त मिला है? दूसरा किस्त मिला है। दूसरा किस्त मिल गया? हाँ जी। तो सबको मिल गया पंचायत में कि खाली आपको मिला दूसरा किस्त? दूसरा किस्त किसी को एक भी मिला, किसी को 2 भी मिला है, और किसी का 3 भी मिल गया। पहला किस्त आ गया और दोबारा किस्त नहीं आया, 3 महीना बीते जा रहा है। इसका कारण किन्हीं से पूछे कि क्यों नहीं आया दूसरा किस्त? बोले सहायक बोले उनको। पैसा दिए हैं? कितना दिए हैं? जब ऐसा ही 3-4 मरत फोटो ले गया, 500 ऐसी करके गरीब आदमी से मांगता है तो दे देते हैं। 500 ले जा रहे हैं? हाँ। दूसरा किस्त के लिए नहीं बोले कि नहीं मिला अभी? हाँ, तक बोलते हैं जब आता है तब कहते हैं। क्या बोलते हो? सर पैसा डाउन ट्रांसफर कर दीजिए, तो बोलता है कि आज आ जाएगा कल आ जाएगा। फिर शिकायत जो मेरा है बिल्कुल सही है, मेरे पास भी बहुत सारा शिकायत आ रहा सही है जनता के द्वारा। अच्छा, कि शंकर जो इंदिरा सहायक है वो अपना मनमानी ढंग से काम कर रहा है, कब आता है ना आता है हमको भी पता नहीं रहता है। फोन करते हैं तो बोलेगा यहाँ है, रहेगा कहीं आओ। जनता के बीच सुनने में आता है, लोग जनता के मेरे पास भी कंप्लेन कर रहा है कि झूठ मूठ जाके फोटो खींच लेता है, 1,000-1,500 रुपया ले लेता है, बोलता है पैसा चल जाएगा, जाता नहीं है। वैसे कर करके एक से नहीं अनेक से ऐसा समस्या आ रहा है मेरे पास भी, हर गांव में ऐसे ऐसे करके जा रहा है। आज कमालपुर से भी मेरे पास फोन आया था इसी तरह का। तो बारी ये इसके लिए मैं पहले भी 31/5/2022 को BDO साहब के कंप्लेन किए थे इसको हटाने के लिए, मगर उसको हटाया नहीं गया। इसका मेरे पास देख के प्रमाण भी है,
जो हमने दिए थे उस समय। बी डी ओ साहब के आप आवेदन दिए हैं जी, तो अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है? ना, फिर नहीं बोले कि ठीक है इसी को रहे दो, ढंग से काम करेगा, पैसा उससे नहीं लेगा, इस तरह से बोले हमको कि ठीक है कोई बात नहीं है। मगर ये अभी इंदिरा साहब जो भी मेरे पंचायत में है हमसे आज कई दिनों से बातचीत नहीं होता है। अच्छा, पंचायत भवन में, आपके पंचायत भवन में सभी लोग आते हैं कर्मचारी? नहीं, कर्मचारी तो कोई भी नहीं आ रहा है। कोई नहीं आ रहा है? कोई बोलता है जिला में है, कोई बोलता है कि ब्लॉक में है। इसके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इसके लिए हम लोग के जहाँ तक बनेगा वहाँ तक प्रयास करेंगे कि सब लोग समय से बैठे।